हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है असम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी नीट के सिलेबस का क्विक रिवीजन करते हैं, पूरे चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं क्लास ट्वेल्थ का जो तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। इस चैप्टर में हम देखेंगे, हमको पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी है, पाचुरेशन और लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमें पता है, जो ह्यूमंस होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वीविफेरस होते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होता है ह्यूमंस में इंक्लूड करता है गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस जिसे कहते हैं, स्पर्म इन मेल एंड ओवन ओबम इन फीमेल जो होता है ट्रांसफ़र होता है इसका फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, जिसे इंसेमिनेशन कहते हैं। फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे जायगोट बनता है आगे जो डेवलप करके ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। जब ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है यूट्राइन वॉल से तो इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जो ह्यूमन में 9 मंथ की प्रेगनेंसी फीमेल कंसीव करती है, गेस्टेशन पीरियड उसे कहा जाता है, और जब डिलीवरी हो जाती है बेबी के तो उसे पॉचुरेशन कहा जाता है। आगे चलते, कहा जाता है स्पर्म कंटिन्यू फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है इवन ओल्ड मैन में भी, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वोमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर। जब फीमेल जो 50 ईयर की हो जाती है तो ओवम का फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है पेल्विस रीजन में लोकेट होता है, इंक्लूड करता है पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में। आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है मेल पेल्विस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसमें आप फिगर में देख सकते हैं यूटेरस शो कर रहा है, सेमिनल वेसिकल, ये यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड शो कर रहा है, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लांस पेनिस, फोर स्किन, स्क्रोटम, टेस्टिस, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इजैकुलेटरी डक्ट, रेक्टम और एनस। चलिए शुरू करते हैं। तो कहा जाता है जो टेस्टिस होता है सिटुएट करता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एक पाउच में, जिसे कहा जाता है स्क्रोटम। स्क्रोटम जो होता है हेल्प करता है मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टी 2 to 2.5 degrees Celsius लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नेसेसरी होता है तो इसीलिए स्क्रोटम हेल्प करता है टेम्परेचर को लो मेंटेन करने में, इसलिए आउटसाइड होता है बॉडी से हमारे। कहा जाता है एडल्ट जो होते हैं उसमें टेस्टिस जो होता है ओवल इन शेप होता है, लेंथ जो होती है टेस्टिस की 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, और जो विड्थ होती है इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, ईच टेस्टिस हैज 250 अपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर टेस्टिस जो होती हैं उसमें एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। और कहता है ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और एक लोब्यूल जो एक ईच लोब्यूल होता है उसमें 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जिसमें स्पर्म का प्रोटेक्शन होता है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज अलाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। इनसाइड से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है लाइंड होता है, दो तरह का सेल है। पहला जो है मेल जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और दूसरा जो है सर्टोली सेल जिसे कहते हैं। मेल जर्म सेल जो होता है मियोटिक डिवीजन होता है और स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और जो सर्टोली सेल होती है प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन जर्म सेल को या स्पर्मेटोगोनिया को। जो आउटसाइड का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के रीजन जो होता है आउटसाइड उसे कहते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस, जिसमें स्मॉल ब्लड वेसल पाए जाते हैं और इन्हें कहते हैं इंटरस्टीशियल सेल पाए जाते हैं, इन्हें लेडिक सेल भी कहते हैं, ये नाम से जाना जाता है। लेडिक सेल का काम क्या होता है, सिक्रीशन और सिंथेसिस करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। ठीक है, तो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होती हैं, रेटी टेस्टी, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कुछ सेमिनल ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वास डिफरेंस या थ्रू रेटी टेस्टिस।
जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वो टेस्टिस का ओपन होता है वॉस इफ्रेंसिया में थ्रू रेडी टेस्टिस के द्वारा। और कह रहा है फिर द वॉस इफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इन टू एपिडिडाइमस जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस पे होता है। ठीक, अगला पॉइंट है एपिडिडाइमस लीड इन टू द वॉस डिफरेंस दैट असेंड टू द एबडामिन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। एपिडिडाइमस लीड करता है, आगे प्रोसीड करता है, वॉस डिफरेंस बनाता है, वॉस डिफरेंस आता है, उसके बाद ये एबडामिन के ऊपर से यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है। ये कह रहा है कि ये रिसीव ए डक्ट फ्रॉम ए सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल से डक्ट को रिसीव करती है एंड ओपन इन टू यूरेथ्रा और यूरेथ्रा में जाके खुल जाती है एज ए इजैकुलेटरी डक्ट। इन डक्ट का काम क्या होता है, स्टोरेज करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड द यूरेथ्रा, टेस्टिस से यूरेथ्रा के आउटसाइड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म का, इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट है यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रा ओरिजिनेट करता है यूरिनरी ब्लैडर से और पेनिस के थ्रू या एक्सटर्नल ओपनिंग में जाता है जिसे एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। ये फिगर शो कर रहा है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, इनसाइड देखिए इंटरस्टिशियल आउटसाइड दिखा रही है, इंटरस्टिशियल सेल स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल, अंदर की तरफ स्पर्म, इसमें स्पर्मेटोजोआ भी शो कर रहे हैं और वहीं पे है सर्टोली सेल जो इसे स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अगला पॉइंट है हमारा जो पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनेटेलिया, हमारी मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होता है वो पेनिस होता है। ये मेल जो होता है स्पेशल टिश्यू जो हेल्प करती है इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन आसानी से हो, वो स्पेशल टाइप की टिश्यू से बनी होती हैं पेनिस। कह रहा है दो इनलार्ज एंड होता है पेनिस का जिसे ग्लांस पेनिस कहते हैं और एक कवर्ड होती है लूज फोल्ड ऑफ स्किन से जिसे फोर स्किन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में जानेंगे, इसमें पाया जाता है पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और एक पेयर्ड ग्लैंड होती है जिसे बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। जो सिक्रीशन होता है इन ग्लैंड का उस सेमिनल प्लाज्मा के साथ साथ उसमें फ्रक्टोज भी पाया जाता है, कैल्शियम और कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कंसिस्ट करती है पेयर ऑफ ओवरी अलॉन्ग विथ पेयर ऑफ ओविडक्ट या जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूटेरस सर्विक्स वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड, ये भी पेल्विस रीजन में ही पाई जाती है। दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विथ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, साथ में मेमोरी ग्लैंड भी होती हैं इसके साथ, इंटीग्रेटेड होते हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन को, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और केयर को सपोर्ट करते हैं। ओवरी जो होती है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है, प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट को और बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन को जिसे ओवरियन हार्मोन कहते हैं। ओवरी आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड में लोकेटेड होती है। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, जो ओवरी की लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल से और यूटेरस से लिगामेंट के द्वारा। ईच ओवरी जो होती है कवर्ड होती है थिन एपिथिलियम जो इनक्लोज करता है ओवरियन स्ट्रोमा को, और जो स्ट्रोमा होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो जोन में डिवाइड होती है कह सकते हैं, जो आउटर पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है और जो इनर पार्ट होता है मेडुला कहते हैं। आगे मूव करते हैं तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर शो कर रहा है, आप देखिए यूटेरस, उसके नीचे यूरिनरी ब्लैडर, पेल्विक सिम्फिसिस, सर्विक्स, रेक्टम, वजाइना, एनस, क्लिटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, वजाइनल ओरिफिक। आगे चलते हैं, कह रहा है द ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जो होती है यूटेरस और वजाइना, इनको
फीमेल एसेसरी डक्ट कहते हैं। कह रहा है ईच फेलोपियन ट्यूब जो होती है उसकी लेंथ अबाउट 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और एक्सटेंड करती है पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी, पेरीफेरी से लेके यूटेरस तक फेलोपियन ट्यूब। कह रहा है द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल सेफ इन फंडिबुलम। तो ओवरी के क्लोजर पार्ट होता है फनल सेप का होता है, जैसे फिगर में आप देख सकते हैं, उसे इनफंडिबुलम कहते हैं। और जो इसका एज ऑफ द इनफंडिबुलम फॉसस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे फिम्ब्री कहते हैं, फिगर में देखिए इनफंडिबुलम और एज लाइक उसका जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसके एज पे इनफंडिबुलम के जिसे फिम्ब्री कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ओबम का कलेक्शन, ओवुलेशन के बाद फिम्ब्री कलेक्ट करती है। इनफंडिबुलम जो होता है लीड करता है वाइडर कैविटी जिसे एम्पुला कहते हैं, फिगर में देखिए। और लास्ट पार्ट जो होता है इसका ओविडक्ट का फेलोपियन ट्यूब का स्थमस कहते हैं, जो कनेक्ट होता है यूटेरस से। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट स्थमस हैज अ नैरो ल्यूमन एंड इट जॉइन द यूटेरस। नेक्स्ट पॉइंट कहता है यूटेरस इज ए सिंगल, इस वजह इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए वॉम्ब, वॉर्म भी कहा जाता है। इसका शेप जो होता है पियर शेप होता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट, लिगामेंट से सपोर्ट होती है, अटैच होता है पेल्विक वॉल से। यूटेरस ओपन इनटू वजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स, यूटेरस जो होती है ओपन करती है वजाइना में एक नैरो सर्विक्स के थ्रू। द कैविटी ऑफ सर्विक्स को कहते हैं सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विथ वजाइना, सर्वाइकल कैनाल और वजाइना मिलकर फॉर्म करती है बर्थ कैनाल का। कह रहा है द वॉल ऑफ यूटेरस हैज ए थ्री लेयर, यूटेरस की जो वॉल होती है उसमें तीन लेयर होती है। जो आउटर थिन लेयर होता है उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम, जो मिडल थिक लेयर होता है स्मूथ मसल का बना होता है मायोमेट्रियम जिसे कहते हैं, और इनर ग्लैंडुलर लेयर जो होता है एंडोमेट्रियम कहते हैं। न्यूट्रिएंट कैविटी कह रहा है कि एंडोमेट्रियम में साइक्लिकल चेंज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान और जो एंडोमेट्रियम में और जो मायोमेट्रियम में स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड करती हैं मॉन्स पीविस लेबिया मजोरा लेबिया मनोरा हाइमेन क्लिटोरिस। कह रहा है मॉन्स पीविस इज ए फैटी क्यूशन टाइप का होता है, फैटी टिश्यू कवर्ड होती है स्किन से और पीविक हेयर से। लेबिया मजोरा जो होता है फ्लेसी फोल्ड होता है टिश्यू का, एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स पीविस इसके नीचे से एंड सराउंड करती है वजाइनल ओपनिंग को। लेबिया मेनोरा आता है पेयर्ड फोल्ड अप टिश्यू अंडर द लेबिया मजोरा होता है। द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय ए मेम्ब्रेन, जो वजाइना की ओपनिंग होती है वो पार्शली कवर्ड होती है हाइमेन से। क्लिटोरिस नेक्स्ट पॉइंट है इज अ टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया मेनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। कहा जाता है द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स, जिसे इंटरकोर्स कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर्स को। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाई सडन फॉल और जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ वजाइनल टैम्पन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट लाइक हॉर्स बैक राइडिंग साइकिलिंग इन सम वोमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वार्टर, क्वार्टर्स के पास भी हाइमन जो रहता है सेफली रहता है। इनफैक्ट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में, ये हाइमन के बारे में जानकारी से नहीं पता चल सकता है कि वो वर्जिनिटी और सेक्सुअल अपीयरेंस के बारे में। शो करता है मेमोरी ग्लैंड का फिगर, देखिए फैट शो कर रहा है, मेमोरी लोब्स, मेमोरी एल्वियोल्स, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, निपल्स, एरियोला, इधर रिप्स हो कर रहा है मसल बिटवीन रिप्स, पेक्टोरलिस मेजर मसल। अब हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड के बारे में। ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल। मेमोरी ग्लैंड जो होती है पेयर स्ट्रक्चर होती है, ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट का फैट इसमें पाया जाता है। जो कह रहा है जो टिश्यू होती है डिवाइडेड करती है 15 से 20 मेमोरी लोब में, जिसमें क्लस्टर ऑफ सेल होती है जिसे कहते हैं एलवोलाई, जहाँ पे मिल सिक्रीट होती है, जहाँ सेल ऑफ द मिल एलवोलाई सिक्रीट करती है मिल, जो स्टोर होती है इसकी कैविटी में एलवोलाई के।
एल्वोलाई फिर ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल में, और ईच ट्यूब्यूल लो ईच जो ट्यूब्यूल की लोब होती हैं ज्वाइन करके बनाते हैं मेमोरी डक्ट, और बहुत सारी मेमोरी डक्ट ज्वाइन होकर बनाते हैं वाइडर मेमोरी एम्पुला जो कनेक्ट होता है लैक्टिफेरस डक्ट से, जिसके थ्रू मिल्क को सप्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गैमेटोजेनेसिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं टेस्टिस होता है मेल में और ओवरी होती है फीमेल में, प्रोड्यूस कहते हैं गैमेट्स को, स्पर्म और ओबम को रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। कहा जाता है टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगेनिया प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस जब एट द बिगिनिंग पॉवर्टी आती है। कहा जा रहा था स्पर्मेटोगेनिया है प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल के, जैसा हमने पीछे ही पढ़ा उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं। कहा जा रहा है स्पर्मेटोगोनिया जो होता है डिप्लॉयड होता है और इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं जिन्हें प्राइमरी ओसाइट कहते हैं स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, पीरियोडिकली अंडरगोस मियोसिस इसमें होता है, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद जो रिडक्शन डिवीजन होता है फॉर्मेशन होता है दो इक्वल हैप्लॉयड सेल का, जिसे कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इनमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। आगे अभी फिगर हम देख लेंगे। द कह रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है और प्रोड्यूस करती है फोर इक्वल हैप्लॉयड स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड जो होता है ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है, स्पर्म का हेड जो होता है एम्बेडेड होता है सर्टोरी सेल में, अपना न्यूट्रिशन वहाँ से प्राप्त करता है एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। ये फिगर शो कर रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सर्टोरी सेल, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है एज एज ऑफ पॉवर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोटॉपिंग रिलीजिंग हार्मोन। इस वजह से इसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी कहा जाता है GnRH। इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और स्टिमुलेट करती है वहाँ से दो गोनेडोटॉपिन के सिक्रीशन को LH और FSH। LH जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसमें कहता है फिर अगला पॉइंट है LH एक्ट एट द लेडिक सेल। LH जो होता है एक्ट करता है लेडिक सेल से, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस और सिक्रीशन एंड्रोजन हार्मोन का। एंड्रोजन फिर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि FSH जो होता है जो एक्ट करता है सर्टोरी सेल पे एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। अब स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे स्पर्म का, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसमें चार पार्ट होते हैं मेनली स्पर्म के, हेड, नेक, मिडल पीस, टेल। फिगर को आप लोग देख लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है हेड जो होता है इसमें इलांगेटेड हैप्लॉयड न्यूक्लियस कंटेन होता है। एंटीरियर पोर्शन जो होता है हेड का कवर्ड होता है कैपलाइक स्ट्रक्चर से जिसे कहते हैं एक्रोसोम, जो फील्ड होता है एंजाइम से हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में एक्रोसोम में जो एंजाइम होते हैं। जो मिडल पीस होता है इसमें बहुत सारे माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं जो प्रोड्यूस करती है एनर्जी मूवमेंट ऑफ द टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी जो फर्टिलाइजेशन के लिए इसेंशियल होता है। कहा जाता है कि ह्यूमन मेल इजैकुलेट करता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए क्वार्टस, जिसमें एटलीस्ट 60% जो होते हैं नॉर्मल फर्टिलिटी के होते हैं, नॉर्मल सेप साइज के होते हैं, बट लीस्ट 40% जो होते हैं इनमें विगरस मोटिलिटी पाई जाती है। आगे चलते हैं। कहा जा रहा है स्पर्म जो रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्रांसपोर्टेड बाई एसेसरी डक्ट के द्वारा इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सिक्रीशन जो होता है एपिडिडेमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट इसेंशियल होता है फॉर मैच्यूरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के। कह रहा है द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विथ स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। सेमिनल प्लाज्मा
साथ में जब स्पर्म ओवरी होता है तो उसे सीमेन कहते हैं। द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। जो एसेसरी डक्ट और ग्लैंड होते हैं इनके फंक्शन को मेंटेन करता है एंड्रोजन मेनली। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओजेनेसिस। मैच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है उसे ओजेनेसिस कहते हैं। ये डिफरेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से। कह रहा है कि ओजेनेसिस जो स्टार्ट होता है इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल ओगोनिया आर फॉर्म विद इन ईच फेटल ओवरी। जब ईच फेटल ओवरी में ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है तभी ये इनिशिएट हो जाता है ओजेनेसिस। कह रहा है आफ्टर बर्थ ओगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। कह रहा है दिस सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन। इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है और मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में जाती हैं और टेम्पररली अरेस्ट हो जाती हैं, रेस्ट में आ जाती हैं। और इन्हें कहा जाता है प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट जो होती है सराउंडेड करती है, डेवलप करती है ग्रैनुलोसा सेल से, इसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डिजनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग फेज ऑफ बर्थ टू जन्म से पॉवर्टी तक आने तक बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल डिजनरेट हो जाती हैं। कहा जाए एट पॉवर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ईच ओवरी में लेफ्ट होती हैं, बची रहती हैं। प्राइमरी फॉलिकल और ग्रैनुलोसा सेल से सराउंडेड होती है तो सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। आगे इसका डेवलपमेंट होता है टर्सरी फॉलिकल में जो कैरेक्टराइज किया जाता है फ्लूइड फील्ड कैविटी से, जिसे एंट्रम कहते हैं। थीका लेयर जो होता है ऑर्गेनाइज होता है आउटर थीका एक्सटर्ना और इनर होता है थीका इंटरना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज द प्राइमरी ओसाइट विद इन द टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी ओसाइट होता है ग्रो करता है साइज को अपने और फर्स्ट डायरेक्शन डिवीजन मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है, जिसके बाद ये डिवीजन जो होता है अनइक्वल होता है, फॉर्मेशन होता है एक लार्ज हैप्लॉयड सेकेंडरी ओसाइट का और एक फर्स्ट टीनी छोटी सी पोलर बॉडी का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा था सेकेंडरी ओसाइट जो बनती है रिटेन करती है बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट खाने पीने का, रिच साइटोप्लाज्म प्राइमरी ओसाइट वो रिटेन करती है। ये फिगर आप देख सकते हैं ब्लड वेसल प्राइमरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल शो कर रहा है एंट्रम को, ग्रेफियन फॉलिकल ओबम और कॉर्पस लूटी। कह रहा है डज द एट प्रेजेंट की बात हो रही है, वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। इट डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फॉर द रिजनरेट, इफ आगे डिवाइड करेगी डिजनरेट हो जाएगी। द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंज इन टू द मैच्योर फीमेल और ग्लैफियन फॉलिकल। सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म ए न्यू मेंबर मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है जो है ना पेलोसिडा, जो इसे सराउंड करती है। और ग्रेफियन फॉलिकल रेप्चर करती है और रिलीज करती है सेकेंडरी ओसाइट जिसे ओबम कहते हैं फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। ये फिगर शो कर रहा है ओगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया का कैसे डिवीजन हो रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। फीमेल प्राइमेट जो होती हैं मंकी एप्स और ह्यूमन बींग, इसमें ये साइकिल चलती है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन का जो बिगिन होता है पॉवर्टी में उन्हें मेनार्ची कहते हैं। ह्यूमन फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 से 29 दिन में रिपीट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसे कहते हैं। कह रहा है वन ओवम इज रिलीज्ड ओवुलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। द मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम बात करेंगे। कई सारे फेज चलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज या जैसे फॉलिफ्रेटिव फेज का अंदर लूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज, फिगर को हम देख लेंगे। ओवरियन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जो है ओवरियन इवेंट चलता है, डेवलप होता है मैच्योर फॉलिकल, डेवलपिंग कॉर्पस लूटियम डिजनरेशन होता है कॉर्पस लूटियम का। चलिए शुरू करें। कह रहा है साइकिल स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज से जिसका फ्लो होता है कम से कम 3 से 5 दिन तक। मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या होता है ब्रेकडाउन होता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ऑफ यूटेरस की जो होती है और ब्लड वेसल की, और ये लिक्विड के फॉर्म में वेजाइना से बाहर निकल जाते हैं। मेंस्ट्रुअल ओनली अकर, कह रहा है मेंस्ट्रुएशन जो होता है ओनली अकर इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड।
ओवम का रिलीज के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है स्पर्म से, तभी मेंस्ट्रुएशन होता है। अगर लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन है तो ये इंडिकेट करता है एक तरह से प्रेगनेंसी को। लेकिन इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, पुअर हेल्थ की वजह से भी ऐसा हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन में आगे पीछे होता रहता है। कह रहा मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है फॉलो करता है फॉलिकुलर फेज को, जो दूसरा फेज है। ड्यूरिंग दिस फेज, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो करके मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनाती है, और इसके साथ साथ ही जो इंडोमेट्रियम होता है यूटेरस का रीजनरेट करता है प्रोलिफरेशन के साथ। दिस चेंज इन द ओवरी और यूटेरस में ये जो चेंज होता है इंड्यूस किया जाता है पिट्यूटरी और ओवरिन हार्मोन के द्वारा। कह रहा जाता है सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन जो होती है LH और FSH का इंक्रीज कर देती है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज में, ठीक, एंड स्टिमुलेट करती है फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है और एस्ट्रोजन का ग्रेफियन फॉलिकल तो सिक्रीशन भी करती हैं इस वजह से। कह रहा था बोथ LH एंड FSH अटेन करती हैं पीक लेवल को एट द मिडल ऑफ साइकिल, मतलब 14वें दिन जो मेंस्ट्रुएशन का होता है, तो ये दोनों का सिक्रीशन पीक पे होता है। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, जिसे LH सर्ज कहते हैं, जिससे होता है इंड्यूस रप्चर हो जाती है ग्रेफियन फॉलिकल और ओवम का रिलीज हो जाना ही कहलाता है ओवुलेशन। समझ में आया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तो ओवुलेशन या ओवुलेटरी फेज जो होता है वो फॉलो करता है ल्यूटियल फेज जो लास्ट फेज इसका है, जिसमें जो रिमेनिंग पार्ट होती है ग्रेफियन फॉलिकल की वो चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है कार्पस लुटियम में। कार्पस लुटियम सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को, जो इसेंशियल होती है मेंटेनेंस करती है इंडोमेट्रियम को। इंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत होती है। सच एज कहा जाता है इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओबम, क्योंकि इंडोमेट्रियम का जरूरत होता है फर्टिलाइज ओबम के इम्प्लांटेशन के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कह रहा है प्रेगनेंसी के दौरान ऑल द इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। प्रेगनेंसी के समय मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट जो होते हैं स्टॉप हो जाते हैं और मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। आगे चले, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब कार्पस लुटियम डिजनरेट करती है, जिस डे इंडोमेट्रियम की लाइन डिस्टिंग्रेशन होना शुरू होता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और नई साइकिल का फिर से स्टार्ट हो जाता है, नई मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इन ह्यूमन बीइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर ऑफ एज, जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था हम लोगों ने, इसको एक टर्म देते हैं मेनोपॉज। साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्की एंड मेनोज, स्टार्ट से अंत तक चलता है। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है ड्यूरिंग कपुलेशन जब क्वाटस होता है सीमेन को रिलीज किया जाता है पेनिस से इनटू वेजाइना में, इसे कहते हैं इंसेमिनेशन। कह रहा है मोटाइल स्पर्म स्विम करता है तेजी से रैपिडली से पास होता है सर्विक्स से इंटर करता है यूट्रस में और फाइनली पहुंच जाता है स्थमस एंड एम्पुला के पास, जिसे कहा जाता है एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और यही काम करती है ओवम भी। रिलीज होकर एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन में पहुंचती है जहां पे फर्टिलाइजेशन होना होता है, इसीलिए कहा जाता है फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। अगर दोनों एक ही साथ वहां पे पहुंचते हैं तभी पे फर्टिलाइजेशन होगा। दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन इन प्रेगनेंसी, इसीलिए सारे कैपुलेशन से फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी नहीं होती है। फिगर शो कर रहा, आप लोग इसको देख लीजिए, जो ना पहले सोडा सेल ऑफ कोरोनरी डेटा स्पर्म शो कर रहा है और प्रीवियट लाइन स्पेस ओवम का शो कर रहा है। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विद जूना पेलोसिडा, फर्टिलाइजेशन में स्पर्म आके जूना पेलोसिडा से कॉन्टेक्ट में आता है और इंड्यूस करता है एंजाइम का रिलीज करता है, जिससे क्या होता है मेम्ब्रेन में चेंज आता है और ब्लॉक करता है एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म को, कुछ ऐसा चेंज होता है जिससे बाकी स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती वहीं पे।
Thus, it ensured that only one sperm can fertilize an ovum. इससे ये इंश्योर हो जाता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज कर सकती है. द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसेम हेल्प द स्पर्म इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम. और इसका जो सिक्रीशन होता है एक्रोसोम का हेल्प करती है स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में इंटर करने के लिए थ्रू द जोना पेलिसुडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट. और यहाँ पे जैसे ये इंटर होता है साइटोप्लाज्म में सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है उगनिया का और बनता है सेकेंडरी ओसाइट. अनइक्वल होता है जैसे पहला था और एक सेकेंड पोलर बॉडी और हैप्लॉयड ओवम का फॉर्मेशन होता है. इसके बाद हैप्लॉयड स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है और डिप्लॉयड जायगोट बन जाता है. कहा जाता है वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ. और यहीं पे डिसाइड होता है कि वो बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा. कहा जाता है फीमेल में जो होती है क्रोमोसोम का पैटर्न एक्स एक्स होता है और मेल में एक्स वाई होता है. ऑल द हैप्लॉयड गैमेट प्रोड्यूस बाय द फीमेल ओवा हैव सेक्स क्रोमोसोम एक्स. जो फीमेल से प्रोड्यूस होती है वह उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है दोनों ही और जो मेल से प्रोड्यूस होता है स्पर्म से प्रोड्यूस होता है सेक्स क्रोमोसोम उसमें एक्स या वाई होगा. तो यहाँ पे 50% चांस होता है स्पर्म का कैरी करे एक्स क्रोमोसोम या 50% चांस है कैरी करे वाई क्रोमोसोम. आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट द जायगोट वुड कैरी द फ्यूजन के बाद जायगोट या तो कैरी करेगा एक्स एक्स क्रोमोसोम एक फीमेल से और एक मेल से या एक्स वाई करेगा. डिपेंड करता है कि इसमें स्पर्म कैरी क्या कर रहा है एक्स क्रोमोसोम मेल का या वाई क्रोमोसोम. फर्टिलाइजर होता है ओवम. जायगोट कैरी करता है अगर एक्स एक्स तो वो फीमेल होगी एक्स वाई तो वो मेल होगा. आगे बढ़ते हैं. कह रहा है मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है जायगोट में माइटोटिक डिवीजन और मूव करता है स्थमस फैलोपियन ट्यूब के स्थमस पार्ट से जहाँ पे क्लीवेज होता है यूट्रस के तरफ इसका और बनाता है ये दो से चार सेल चार से आठ सेल आठ से सोलह सेल का डॉटर सेल जिसे ब्लास्टोमियर कहते हैं. कह रहा है एम्ब्रियो अप टू 8 to 16 सेल स्टेज का जो होता है उसे मॉरुला कहा जाता है. इस फिगर को देख लीजिए मॉरुला ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो रहा है एंडोमेट्रियम में. ब्लास्टोसिस्ट ये मॉरुला कहते हैं 8 से 16 सेल के. यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है. कह रहा है मॉरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इंटू ब्लास्टोसिस्ट. मॉरुला डिवीजन होता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है और ये मूव करता है आगे यूटेरस में. कह रहा है ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमियर होता है अरेंज होता है आउटर लेयर और इनर ग्रुप ऑफ सेल में. जो आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट होती है और इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच होती है ट्रोफोब्लास्ट से उसे इनर सेल कहते हैं. अब कह रहा है कि जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है वो अटैच होता है एंडोमेट्रियम से एंड द इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड एट एज द एम्ब्रियो. और जो इनर सेल मास होता है डिफ्रेंशिएट करके एम्ब्रियो बनाता है. अटैचमेंट क्या बात क्या होता है यूट्रस से डिवाइड करती है बहुत तेजी से और कवर कर लेती है ब्लास्टोसिस्ट को जिसके बाद क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस. यूट्रस के एंडोमेट्रियम में वो एम्बेड हो जाता है या ऐसे कहते हैं वहाँ चिपक जाता है. इसी प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन और ये लीड करती है प्रेगनेंसी को. कर रहा है प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे. इम्प्लांटेशन के बाद एक सिंगल लाइन प्रोजेक्शन अपीयर होता है ट्रोफोब्लास्ट में जिसे क्रोनिक बिलाई कहते हैं जो सराउंडेड होता है यूटेराइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से. क्रोनिक बिलाई और यूटेराइन टिश्यू एक दूसरे में मिल के इंटरजेटेड विथ ईच अदर एंड ज्वाइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो फोटस एंड मैटरनल बॉडी जिसे कहते हैं प्लेसेंटा. इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ये. कह रहा है कि प्लेसेंटा फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो. ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है और साथ ही साथ वहाँ से रिमूवल करता है एक्सक्रीटरी और वेस्ट मटेरियल जो एम्ब्रियो से प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का. प्लेसेंटा कनेक्ट होता है एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो. प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज ए इंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है और बहुत सारे हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है जैसे
HCG ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोटॉपिन्स, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL जिसे कहा जाता है, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन भी हो गया। कह रहा है प्रेगनेंसी के लेटर फेज में ओवरी से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसे रिलैक्सिन कहा जाता है। अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं। कह रहा है HCG HPL और रिलैक्सिन जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं वुमेन से ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम ही ये तीनों हार्मोन सिक्रिन। बाकी हार्मोन जो होते हैं इनका लेवल जो होता है मैटरनल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है और ये एसेंशियल होते हैं, सपोर्ट करते हैं फीटल ग्रोथ के लिए। जैसे कौन कौन से हार्मोन होंगे, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, थायरोक्सिन और भी सारे, LHFSH, और ये सपोर्ट करते हैं फीटल ग्रोथ को। कह रहा है इमिडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, तो इनर सेल मास होता है डिफ्रेंशिएट करता है आउटर लेयर में एक्टोडर्म और इनर लेयर इंडोडर्म में, और कुछ देर बाद जो इनके बीच में फॉर्म होती है लेयर उसे मीजोडर्म कहते हैं। कह रहा है दीज थ्री लेयर गिव राइज टू ऑल द टिश्यू ऑर्गन इन एडल्ट में जो होते हैं, सभी टिश्यू और ऑर्गन का इन्हीं से ओरिजिन होती है। इट नीड टू बी मेंशन दैट हियर दैट इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल, जो इनर सेल मास में कुछ और भी सेल होते हैं जिसे कहा जाता है स्टेम सेल, जिसके बाद पोटेंशियल होता है टू गिविंग राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन। वही बात है, इनके पास भी एबिलिटी होती है। कहा जाता है ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ की होती है जिसे गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो हर्ट इज फॉर्म्ड, 1 मंथ के बाद हर्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे हम लिसन सुन सकते हैं प्रॉपरली स्टेथोस्कोप की मदद से। कह रहा है 2nd मंथ के एंड में क्या होता है, लिम्स और डिजिट का डेवलपमेंट हो जाता है। और कह रहा है अगला पॉइंट है बाय द एंड ऑफ 12 वीक या फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 3 मंथ के बाद क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे लिम्ब और एक्सटर्नल जेनिटेलिया का डेवलपमेंट हो जाता है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फोटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ, 5वें मंथ में फोटस में मूवमेंट होने लगता है और हेयर उसके हेड पे अपीयर होने लगता है। कैज बाय द एंड ऑफ 24 वीक 2nd ट्राइमेस्टर के बाद या 6 महीने के बाद जो होता है बॉडी कवर हो जाती है फाइन हेयर से, आई लीड सेपरेट हो जाते हैं, आई लेसेस का फॉर्मेशन हो जाता है, और 9 मंथ के बाद क्या होता है फीमेल डिलीवर करती है बेबी को। पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि 9 मंथ की जो होती है प्रेगनेंसी उसके गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, उसके बाद होता है विगरस कंट्रेक्शन ऑफ यूटरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी जिससे डिलीवरी होती है फोटस की। डिलीवरी ऑफ द फोटस या चाइल्ड बर्थ को ही पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, इसका सिग्नल जो आता है ओरिजिनेट होता है फुल्ली डेवलप्ड फोटस फिटस एंड प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूटराइन कंट्रेक्शन जिसे फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन जो होता है एक्ट करता है यूटराइन मसल पे भी, स्ट्रॉन्गर यूटराइन कंट्रेक्शन होता है, स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन यूटराइन कंट्रेक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यू रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कंट्रेक्शन और बढ़ता जाता है जिससे एक्सपल्सन हो जाता है बेबी का यूटरस से बर्थ कैनाल के द्वारा, इसी को कहते हैं पार्चुरेशन। कह रहा है मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल डिफ्रेंशिएट करती है पार्चुरेशन प्रेगनेंसी के बाद और मिल्क का प्रोडक्शन करती है प्रेगनेंसी के बाद जिसे लैक्टेशन कहते हैं। इनिशियल फ्यू डे में लैक्टेशन जो होता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। एंटीबॉडीज IgA पाया जाता है, एसेंशियल होता है ग्रोइंग बेबी के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाई डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप हेल्दी बेबी के लिए जरूरी होता है। इसी के साथ